रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। स्मार्टफोन और कंप्यूटर का उपयोग हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नौकरी करने वाले लोगों को ऑफिस में घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों को शिक्षा में इंटरनेट की मदद लेनी पड़ती है। खाली समय में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप का सहारा लेने लगे हैं, किंतु अत्यधिक समय तक स्क्रीन पर फोकस करने के कारण हमारी आंखों के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह समस्या अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का रूप लेती जा रही है। जी हाँ, जो अपने आप में आंखों की समस्याओं का समूह है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आपको बता दें कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहा जाता है। एक तरह से समझा जाए तो यह एक नहीं बल्कि आंखों से संबंधित कई समस्याओं का समूह है। रिसर्च से पता चलता है कि यह समस्या मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले लोगों को हो रही है। अगर आप भी कंप्यूटर पर 3 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करते हैं तो संभवतः ये आपको भी हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम में अधिकतर लोग लंबे वक्त तक लैपटॉप या टैबलेट में काम करते रहते हैं। और आइए अब जानते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। आपको बता दें कि फोन, लैपटॉप, टीवी आदि से ब्लू लाइट निकलती है, जिसके कारण आंखों में सूखापन आ जाता है। हम स्क्रीन को लगातार देखते रहते हैं, जिसके कारण पलक झपकाना हम भूल जाते हैं, जिससे आंखों में पानी आने लगता है। इसके अलावा सूखापन, जलन और आंखों का लाल होना ये समस्या पैदा होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से पानी आने की समस्या भी हो रही है। कई लोगों को चश्मा भी लगा हुआ है लेकिन वह नहीं पहनते हैं, इससे भी आंखों पर अधिक असर पड़ता है। और आइए अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षणों में धुंधलापन, दोहरी दृष्टि, सूखापन, लाल आंखें, आंखों में जलन, सिर दर्द, आंखों में दर्द या सूजन, गर्दन या पीठ में दर्द आदि शामिल है। और आइए अब जानते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला बचाव है काम के बीच थोड़ा सा ब्रेक। जी हाँ, हर 15 से 20 मिनट में एक स्क्रीन को देखने से ब्रेक लें और कुछ सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखों के आसपास की मांसपेशियों की मालिश करें या हर 2 घंटे में अपना चेहरा धोएं। आप चाहें तो थोड़ा टहल भी सकते हैं। एक और बचाव है फैमिली के साथ समय बिताएं। जी हाँ, लैपटॉप मोबाइल को छोड़कर फैमिली, दोस्त, पालतू जानवरों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, जो आपकी आंखों को हेल्दी रखने के साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति भी बढ़ाता है। डाइट, आपको बता दें कि अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करिए जिससे आपकी आंखें हेल्दी रहें। इसके लिए आप अखरोट, बादाम, खट्टे फल या फिर मछली खा सकते हैं। अंधेरे में काम करने से बचिए। जी हाँ, आपको बताते चले कि कम लाइट या फिर अंधेरे कमरे में काम करने से आपको बचना चाहिए। कम रोशनी में काम करने और पढ़ने से आपकी आंखों पर ज्यादा खिंचाव पड़ता है, और अगर आपको चश्मा लगाने की जरूरत हो तो इसे जरूर लगाना चाहिए। एंटी ग्लेयर चश्मा, आपको बताते चले कि कंप्यूटर पर काम करते वक्त एंटी ग्लेयर चश्मे का इस्तेमाल करें। इससे कंप्यूटर से निकलने वाली किरणों से आंखों की काफी हिफाजत हो सकती है। काम तक तो सही है, लेकिन कोशिश करें कि मनोरंजन आदि के लिए डिजिटल स्क्रीन का उपयोग ना ही करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कमरे में उचित रोशनी हो। कम रोशनी में काम करने से ये समस्या और भी बढ़ सकती है। एक और बात, सही पोजीशन में बैठना। आपको बता दें कि कंप्यूटर की स्क्रीन आंखों की सीध में या आंखों से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि स्क्रीन आंखों से ऊपर ना हो, जिससे आंखों पर जोर ना पड़े। सही पोजीशन में बैठकर काम करने और कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के लेवल से एक उचित दूरी पर रखने से भी आप आराम महसूस करेंगे। कुछ थेरेपी और व्यायाम। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि आंखों के कुछ व्यायाम भी इससे बचा सकता है। अपनी आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने के साथ ही चारों ओर घुमाइए। अगर मुमकिन है तो सुबह के समय हरी घास पर चलिए, ये काफी फायदेमंद होता है। सुबह की ओस की बूंद भी आंखों में काजल की तरह लगाई जा सकती है। इसे आंखों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। आंखों में रूखापन ना रहे, इसके लिए बाजार में कई तरह के आई ड्रॉप भी मौजूद हैं, जिसके उपयोग से आंखों के सूखेपन को दूर किया जा सकता है। अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य ले लें।
तो ये थी पूरी जानकारी, आपको कैसी लगी? और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आप कंप्यूटर और मोबाइल पर कितना समय व्यतीत करते हैं और ये जानकारी आपके कितने फायदेमंद साबित होगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।